चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 17 विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 से शुरू की गई। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 से लागू की गई। आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना 2004 से शुरू की गई। 2004 में आपकी बेटी योजना। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना ये 2004 में शुरू की गई और यह है शारीरिक रूप से विकलांग बालिकाओं के लिए शुरू की गई। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004 में शारीरिक विकलांग बालिकाओं के लिए। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना ये 2005 में शुरू की जाती है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए। 2005 में तो शुरू की जाती है विकलांग बालिकाओं के लिए और 2005 में शुरू की जाती है मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं के लिए। नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना 2006 में शुरू की जाती है। 2006-07 जिसको कह सकते हैं, 2006-07 में शुरू की जाती है नन्ही कली योजना। यात्रा भत्ता योजना ये 2007 में शुरू की जाती है। यात्रा भत्ता योजना, यात्रा भत्ता 2007 में। साइकिल वितरण योजना 2007 में, यानी यात्रा भत्ता और साइकिल दोनों एक साथ ही शुरू की जाती है 2007 में। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2008 में शुरू किया जाता है। 2008 में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। सबला योजना। सबला योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010। तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 कहो या सबला योजना कहो। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना 2011 में शुरू की जाती है। 2011-12 में शुरू की जाती है इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। स्कूटी वितरण योजना 2013 में शुरू की जाती है। स्कूटी वितरण योजना 2013 में शुरू की जाती है 2013 में। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना 2004 में है और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2005 में शुरू की जाती है। फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016। अगली है गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना 2016 में शुरू की जाती है। गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना 2016 में शुरू की जाती है।
फिर आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 में शुरू की जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अगली है विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। तो विदेश में स्नातक शिक्षा योजना ये किताबों में कहीं पर 2010 से बता रखा है और कहीं पर 2016 से बता रखा है। तो विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।